था, जैसे कि अभी हमारी वाराणसी की यात्रा खत्म हो चुकी है, अभी हम सब लोग पिताजी के भी दर्शन हो गए, आप 6 घंटे लेट हो चुके हैं अपनी ट्रेन में और अब पहुंचने वाले हैं अब अयोध्या। अयोध्या धाम, जय जय श्री राम। 6 घंटे का इंतजार करने का, 3 बजे ट्रेन पहुंचनी थी, पहुंच रही है रात को 9 बजे। 9 बजे से ऊपर है, 9 से भी ऊपर हो रहा है टाइम। अब हम जाके अपने रहने की व्यवस्था देखेंगे क्या व्यवस्था बनती है। हमारी फौज की थी एक्साइटेड है उतरने के लिए, सभी के सभी थोड़ा ठहर के करना, अभी उतरने दे, बस तैयारी में है, जैसे ही स्टेशन आने वाला है उतरेंगे अभी। हेलो, जय श्री राम। पहुंच चुके हैं हम अयोध्या के स्टेशन पे। टाइम वगैरह काफी लेट है, बहुत लेट हो गई ट्रेन, हमने 3 बजे पहुंचा था, हम 9 बजे पहुंचे हैं। स्टेशन का व्यू, स्टेशन का व्यू देखो कितना मस्त है, वो देखिए। स्टेशन पे भी मंदिर बना दिया, कह रहे हैं एकदम ऐसे मंदिर वाला फील आना चाहिए कि आप राम जी के पास आए हैं मिलने। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, तो अभी हम पहुंच चुके हैं राम मंदिर की गलियों में और जा रहे हैं राम लल्ला अयोध्या की गलियों में और राम लल्ला के दर्शन करने जा रहे हैं। हाँ, ये यहाँ पे आपको उतार देते हैं, ये फाटक है इसके आगे से ऑटो से, और ये पूरी व्यवस्था बनी हुई है, यहाँ से आपको पैदल ही जाना पड़ेगा अंदर के लिए। सबसे पहले हनुमान गढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करेंगे, और ये देखिए ये बैठिए सेना, वानर सेना, जय जय श्री राम। में लगे हुए लंगर सेवा, पहले माथा टेकेंगे अंकल जी, और नहीं नहीं पहले माथा टेकेंगे फिर खाएंगे प्रसाद। अंकल जी बोल रहे हैं खा के जाइए, पर हम पहले माथा टेक के आएंगे, सुच्चे मुंह है ना। नानू भी बहुत खुश है, कह रहे हैं फाइनली अभी हम आनंद आ रहा है, आनंद में हो चुके हैं। सबको ले आओ बीच में, जो जो आए साथ में। ये देखिए ये हमारी राम सेना है, ये हमारी केन्नी सेना, वो देखिए सामने। हाँ, वो दूर से एक मंदिर दिखाई दे रहा है, शायद से यही हनुमानगढ़ी, अभी पहुंच के दिखाते हैं। हेलो, ये है राम जी के मंदिर को जाने का रास्ता, और अभी हम जा रहे हैं, देखिए रश हनुमानगढ़ी। अभी हमारी पहली डेस्टिनेशन है, हनुमान जी का नाम लेके हम जाएंगे हनुमान गढ़ी, और वो बैठे हैं वहाँ हमारे हनुमान जी। जय जय श्री राम, जय श्री राम। और आंटी जी ने हमें लगा दिया टीका, जय श्री राम, भगवान का टीका लगा दिया, बाबू खूब सुख रहे, सब लगवा लो टीका, जय श्री राम। ये लड़की बोल रही मेरा फैशन खराब हो जाएगा, सभी को अभी हम लगवा देंगे तिलक, धारी करवा के भेजेंगे। हेलो, तो अभी हैं हमारे हनुमान लल्ला वहाँ पे विराजमान है, बहुत रश है थोड़ा सा। हनुमान गढ़ी का वो प्रवेश द्वार दिख रहा होगा आपको, ये लिखा है, हनुमान लल्ला के दर्शन करेंगे अभी। तो फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं हनुमान गढ़ी, हम हनुमान जी के दर्शन करेंगे यहाँ पे। फोन अलाउड नहीं है इसलिए फ़ोन बंद कर देंगे। गढ़ी में जाने के लिए आपको थोड़ी सी सीढ़ियों का उपयोग करना पड़ेगा, ये थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ के आप मंदिर में एंट्रेंस पा सकते हैं, रश है काफ़ी इसलिए। जय श्री राम, राम तो होगा, राम लल्ला आए हैं, रश होना जरूरी है क्योंकि राम लल्ला आए हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। आपको देखेंगे द्वार बने हुए हैं हनुमान गढ़ी में, सबके भव्य दर्शन ऊपर तक, जय जय श्री राम। पहुंच चुके हैं हनुमान गढ़ी मंदिर, भव्य मंदिर हमारा बजरंग बली का, जय जय श्री राम। थोड़ा रश है पर राम भगवान से मिलना तो रश के तो है, कैसे हनुमान जी को क्या हाथ ले कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा एक नाम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम।
वो देखो पुजारी जी, हाय पुजारी जी। अभी हम दर्शन करवा दिए आपको हनुमान जी के, ले जा रहा है हमारा प्रसाद हनुमान गढ़ी। साक्षात दर्शन कर लो हनुमान गढ़ी में, बजरंग बली की घंटी प्रसाद ले लिया बहुत अच्छे से मैंने इनको देखा हो, फिर दर्शन हो गया आप सबके, सबके अच्छे से दर्शन, भजन कीर्तन चलता हुआ, मंदिर का माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है, आरती लिखी है बजरंग बली जी की, सब लोग बहुत खुश हैं दर्शन करके। जय श्री राम, जय श्री राम।